को आपको मिल रहेगी। ये देखिए ऊपर का लोकेशन है जो कि राम मंदिर का लोकेशन, ये आपको दिखा रहे हैं हम। ये नीचे का आपको दिखा रहे हैं हम। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, फिर आपको दिखाएंगे यहाँ पर अयोध्या का, यहाँ पर किस तरीके से जो है पूजा होती है, कितनी भीड़ होती है। वीडियो में आप बने रहिए अंत तक, फिर आपको दिखाते हैं इस वीडियो में हम। ये देखिए यहाँ पर जो है दान होता है, ये जो है आपको दिखा रहे हैं, ये दो रास्ते आए हुए यहाँ पर हैं। एक इस तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी। तो दोस्तों चलिए हम आ चुके हैं राम मंदिर अयोध्या, जो कि यहाँ पर आपको दिखाएंगे पूजा सिस्टम और जो है कितना बना हुआ है और कितना बन चुका है। तो ये हम जो है आपको दिखा रहे हैं, मैन चौराहे पर खड़े हुए हैं, फिर अभी इस गेट से अंदर एंट्री करेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ का अयोध्या का पूरा सिस्टम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कि अंदर जाने के लिए रास्ता यहीं से है। काफ़ी बड़ा यहाँ का तालाब है, जो कि यहाँ पर लोग नहाते हैं, जो दूर दूर से लोग आते हैं, जैसा खुद आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लोग सब नहाते हैं और यहाँ पर मतलब जो है काफ़ी सारा पानी यहाँ पर भरा हुआ है और काफ़ी यहाँ की लोकेशन अच्छी है। ये राम मंदिर है अयोध्या, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर नहाने का सिस्टम जो बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। ये आपको हम दिखा रहे हैं बाहर से, देखिए कितना अच्छा यहाँ का लोकेशन है। और ये आप देख रहे हैं मेन चौराहा है। चलिए अब चलते हैं अंदर, ये आपको रोड हम दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पर आ चुके हैं मेन गेट पर, आने वाले भी हैं। ये देखिए ये रास्ता इधर से आया हुआ है, देखिए इतनी भीड़ यहाँ पर जो है परमानेंट रहती है, कोई भी समय हो। ये रास्ता एक आया इधर से आया हुआ है, और जो आप अभी ने देख जो आपने अभी देखा वो इस तरफ से आया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग राम का लोगो बनवाते हैं अपने मत्थे पर। ये जो है आपको दिखा रहे हैं जो है मेन गेट है, जो कि अंदर एंट्री यहीं से होगी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अभी अंदर हम ऊपर की तरफ। ये आपको नीचे का दिखा रहे हैं हम, ताकि आप अच्छे से देख सकें, इसको समझ सकें आप। यहाँ पर लोग सेल्फी भी खींचते हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। ये गेट है अंदर जाने के लिए। जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को पहुँचने में, बंद था ये। अब हम लोग इसके अंदर से आपको दिखाएंगे भी, यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी। देखिए यहाँ पर आपको ये भीड़ देख पा रहे होंगे आप। देख सकें यहाँ पर जो है पुलिस वाले भी रहते हैं काफ़ी, जो कि अच्छे से यहाँ पर जो है कोई दिक्कत ना होने पाए। देखिए आपको दिखा रहे हैं, दूर से दिखा रहे हैं हम, घंटे लगे हुए हैं यहाँ पर बंधे हुए हैं और ये पुलिस वाले भी यहाँ पर खड़े रहते हैं। ये देखिए किस तरीके से प्रसाद को चढ़ाया जा रहा है अंदर, आपको दिखा रहे हैं अच्छे से आप समझ सकें। देखिए आपको हम हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अच्छे से देख सकें। ये देखिए इतनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, ये आपको हम हर एंगल से दिखा रहे हैं आपको, ताकि आप अच्छे से देख सकें। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मतलब जो है प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पर घूमते हैं, तो अब आपको हम सब कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए इतना मतलब ऊँचा मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, देखिए इतनी सारी पब्लिक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर जो है काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, जो कि आप देख खुद ही पा रहे होंगे।
अभी हम लोग यहीं से पास हुए हैं अंदर की तरफ, ये आपको हम दिखा रहे हैं दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी, आपको हम इसमें सब कुछ दिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे से देख सकें। ये जो आप देख पा रहे हैं ये गेट है जो कि इसको लॉक कर दिया गया है, और ये आप जो देख पा रहे हैं दान पेटी है जो कि यहाँ पर रखी हुई है, आपको हम दिखा रहे हैं इस वीडियो में। देखिए किस तरीके से आपको भीड़ को देखने को मिल रही होगी, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से। यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं आप अच्छे से देख सकें, और यहाँ पर काफ़ी सारी पुलिस मतलब जो है यहाँ पर रहती है, मंदिर के अंदर भी रहती है और बाहर गेट पर भी रहती है, और जो है मेन गेट पर भी रहती है जहाँ से हम लोग एंट्री अंदर किए थे वहाँ पर भी काफ़ी रहती है। ये देखिए आपको हम सब कुछ दिखा रहे हैं इसमें, देखिए कुछ लोग इस तरफ भी पूजा कर रहे हैं, आपको हम इसमें सब तरफ दिखा रहे हैं, सब तरफ से दिखा रहे हैं आपको ताकि आप अच्छे से देख सकें। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मंदिर को डिजाइन किया गया है, ये देखिए काफ़ी सारी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर लोग सेल्फी भी खींचते हैं, आते हैं घूमने के लिए, प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर टहलते हैं, फिर सेल्फी भी खींचते हैं। ये देखिए कितना सारा यहाँ पर जो है पब्लिक आपको देखने को मिल रही होगी, ये आपको हम सब तरफ का दिखा रहे हैं। ये जो ये आप देख रहे हैं सब लिखा हुआ रोड मतलब दीवार पे जो है सब यहीं के बारे में लिखा हुआ है। देखिए गेट पे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि आप खुद देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। यही ऊपर से जो है मंदिर की तरफ रास्ता आया हुआ है जो कि आपको हम दूर से दिखा रहे हैं, यहाँ पर प्रसाद को चढ़ाया जाता है, और यहाँ पर जो है अभी भी काम चल रहा है। सब कुछ दिखा रहे हैं इसमें किस तरीके से डिजाइन किया गया है ये और कितनी खूबसूरती से बनाया गया है ये, आपको इसमें हम सब कुछ दिखा रहे हैं। तो देखिए अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, तो देखिए आपको दिखा रहे हैं मैन मतलब ऊपर से दिखा रहे हैं कि देखिए कितनी भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पर, और कितनी सारी पब्लिक यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी पुलिस आपको देखने को मिल रही है, मगर हमने दिखाया नहीं इसमें। देखिए देखिए यहाँ पर सब लोग दान करते हैं जो कि सब मतलब जो है साइड में बैठे हुए हैं जिनकी गेट से। ये देखिए यहाँ पर जो है काम चल रहा है अभी जैसा कि आप खुद ही देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़ोरों से काम चल रहा है, और यहाँ पर काम मतलब जो है परमानेंट होता ही रहता है, काम बंद नहीं है। देखिए सब दर्शन करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर कई सारे रास्ते हैं, तो हमने यहाँ पर पूछा तो बोले यही रास्ते से जाओ अंदर फिर आप मंदिर पर पहुँच जाओगे, तो हमने कहा ठीक है। देखिए यहाँ पर दुकान को लॉक कर दिया गया है,
बहुत जोर से काम चल रहा है यहाँ पर। कुछ रास्ते जो है खुले हुए हैं यहाँ पर हैं, बाकी सब जो है काम चल रहा है। ये राम मंदिर जो अयोध्या है वहीं का आपको हम दिखा रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पर काफ़ी ज़ोर से काम चला, देखिए ये जो हम इसी रास्ते से हम लोग अंदर आए थे, देखिए यहाँ पर सब काम यहाँ पर चल रहा है। ये आपको हम बाहर का दिखा रहे हैं, जिस रास्ते से हम आए थे आपको वहीं का दिखा रहे हैं इसमें, देखिए आप। तो दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट में जाना। तब तक के मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।